The Sikkim Krantikari Morcha or SKM, led by Chief Minister Prem Singh Tamang, secured a second term in government on June 2 with a commanding victory in 31 of the 32 assembly constituencies. Tamang, who contested from Soreng Chakung and Renok, won in both constituencies with over 10,000 votes. Just ahead of the official announcement of his victory, the SKM president marched to Paljor Stadium in Gangtok, where hundreds of SKM supporters were gathered. Speaking to the media, Tamang thanked the people of Sikkim and his party workers. देश के लिए मैं सबसे पहले तो मैं संपूर्ण सिक्किम की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से ही, और मेरा कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरा परिश्रम किया और हम लोग भी पाँच साल के अंतराल में जो कठिनाई आए COVID-19, 2020 और 2021 में, उसके बाद 2023 में जो फ्लड आए, एक ये डिजास्टर फ्लड, उसके बावजूद भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का सरकार ने मन से सिक्किम जनता का काम किया था, इसलिए हमारा जीत हुआ है। इसलिए मैं जीत का श्रेय संपूर्ण सिक्किम जनता को देना चाहता हूँ और कार्यकर्ता को देना चाहता हूँ। He also appealed to the people of Sikkim to maintain peace in the state. Tamang further added that the blueprint for the next 5 years is ready. तो हम लोग ने इस इलेक्शन में जितना भी अनाउंसमेंट किया है सुनौलो सिक्किम एंड समृद्धि सिक्किम के लिए, वो काम हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग ने इलेक्शन के बाद ही हम लोग ने पूरा सीरीज ऑफ मीटिंग मैंने विभागीय कर्मचारी से कर चुका है। पूरा हमारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि 5 वर्ष हम क्या करेंगे। जो भी रेगुलर हुआ है वो रेगुलर तो हो चुका है उन लोगों का, और उन लोगों को आप तुरंत उन लोगों को जितना भी ऑर्डर देना हम लोग दे देंगे पूरा। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.